पांडवों और द्रौपदी का बनाया गया वो नियम जिसके कारण अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास भोगना पड़ा। जी हाँ, ये मैं अज्ञातवास की बात नहीं कर रहा रशाव। हे रशाविंस, रशाव वर्ल्ड के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड में बात होगी कि किस नियम की वजह से अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ गया, वो भी बिना किसी बात के। एक धर्म कार्य के चक्कर में उन्होंने 12 साल का वनवास या कहूँ जंगलवास झेलना पड़ा। जी हाँ, दरअसल बात उस वक्त की है जब पांडव और द्रौपदी अपने इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तो उनको समय नहीं मिल रहा था सभी पांडवों के साथ रहने के लिए। तो उन्होंने एक ऋषियों की बात सुन ये निर्णय किया कि एक समय पर द्रौपदी के साथ कोई एक ही पांडव रहेगा और बाकी सारे पांडव उस समय काल में, उस अंतराल में, जैसे कि मान लीजिए एक दिन है या एक साल, उस एक साल तक केवल एक ही पांडव उनके साथ रहेगा द्रौपदी के, और उनके निकट कोई दूसरा पांडव नहीं आएगा। यही बात हुई उन लोगों के बीच। उन्होंने ये नियम तय किया और कहा गया कि जिसने ये नियम तोड़ा उसको 12 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा एज एक भिक्षुक की तरह, जो केवल इस संसार में कुछ सीखेगा। तो इसी नियम की पूर्ति हेतु एक बार क्या होता है, एक विशाल यज्ञ होता है इंद्रप्रस्थ में, जिसमें एक ब्राह्मण आते हैं अर्जुन के पास और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा एक गाय को एक असुर उठा के ले गया है, तुम्हारा ये धर्म कार्य बनता है कि तुम उस मेरी गाय को वहाँ से बचा कर लाओ। ये बात सुनकर अर्जुन एक द्वंद्व में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन ये धर्म कार्य है, अगर मैं इसमें मना करता हूं तो मुझे अधर्मी कहा जाएगा। तो उस धर्म कार्य के लिए वो मना ना करते हुए चले जाते हैं उनको बचाने। मगर होता ये है कि उनका जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे अस्त्र शस्त्र महल के अंदर होते हैं, और वो अपने शस्त्र लेने के लिए महल के अंदर चले जाते हैं। और जब वो महल के द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि द्रौपदी और युधिष्ठिर वहाँ अकेले हैं, और वो वहाँ से अपने शस्त्र उठाते हैं और उस गाय को बचाने के लिए असुर के पीछे भागते हैं और उसे बचाकर गाय को असुर को मार के लेके आते हैं। मगर उस वक्त युधिष्ठिर थे उसके सामने, द्रौपदी के सामने, उन्होंने नियम का भंग किया, इसलिए उनको 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा और अगले दिन वे वनवास को चले गए। दरअसल मित्रों, ये भी एक पूरा सोचा समझा प्लान था भगवान श्री कृष्ण का। उनको ये बात पता थी कि पांडवों को अपने साम्राज्य को पूरे विश्व में फैलाना है और ज्ञान और सेना इकट्ठी करनी होगी आगे जाके, इसलिए उन्होंने अर्जुन को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाईं, उन्होंने अनेकों ऐसी ऐसी जगहें बताईं जहां पर जाकर, जिससे अनेकों राज्यों से उनकी मित्रता हुई और अनेकों राज्यों ने उन्हें महाभारत युद्ध में मदद किया। दरअसल ये नियम तोड़ने की वजह से अर्जुन को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी सेनाओं को इतनी इकट्ठा करी, इतने शस्त्र इकट्ठे किए जो महाभारत युद्ध में उनको कारगर हुए। यही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बता के जा रहा हूँ। हे रशाविंस, ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आएगी, मैं राहुल लाता रहूँगा ऐसी वीडियोस। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर अगले वीडियो का टॉपिक हमें बताइए, हम बनाएंगे आपके पसंद का अनुसार। टिल देन बाय, जय श्री कृष्ण, लिखना मत भूलिएगा।